चीनी खाने में मिठास लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज यही चीनी 60% बीमारियों की वजह बन गई है। इसीलिए काफी बार हम सुनते हैं कि चीनी कम खानी चाहिए, ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज जैसी बीमारी होती है। पर ये बात कितनी सच है कि ज्यादा चीनी खाने से ही डायबिटीज होता है? डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो सिर्फ चीनी खाने से नहीं होती है। अगर आप जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डाइट कोक जैसी चीजों का सेवन ज्यादा करते हो तो भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज के कारण लोग चीनी खाना बंद कर देते हैं और नो शुगर या फिर शुगर फ्री फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये शुगर फ्री होने वाली चीजें बिना शुगर के स्वीट क्यों लगती है? काफी लोग ये नहीं जानते हैं कि शुगर फ्री फूड्स होने के दावा करने वाली चीजें हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि इन शुगर फ्री फूड्स में शुगर के बदले दूसरे स्वीटनर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप और एस्पार्टेम। और एस्पार्टेम जैसी चीजें चीनी के विकल्प में इस्तेमाल होती है और ये स्वीटनर्स नॉर्मल चीनी से 200 गुना ज्यादा स्वीट होते हैं। लेकिन काफी लोगों को स्वीट खाना पसंद होता है। हर किसी के खाने में अलग अलग चॉइसेस होते हैं। कोई रोज मीठा खा सकता है तो कोई रोज तीखा खा सकता है, लेकिन मीठा खाना एक एडिक्शन की तरह होता है। जितना ज्यादा मीठा आप खाएंगे उतना और खाने का मन करता है। अगर आपने थोड़ी देर पहले केक का लास्ट पीस खाया है और फिर चॉकलेट्स या स्वीट्स देखें तो वो भी खाने का मन होगा। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर क्यों लोग शुगरी फूड्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके सिवा हमारे खाने की कुछ अनहेल्दी आदतें भी होती है जो 5 कारणों की वजह से बढ़ती है: ब्रेन, एनवायरनमेंट, हैबिट्स, गट और फ्रेंड्स। हम इन अनहेल्दी हैबिट्स और शुगर खाना कैसे अवॉइड करें वो देखेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफी बार हम वेट बढ़ाना, ओबेसिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन जैसी बातों से परेशान रहते हैं। इन परेशानियों की वजह हमारी कुछ अनहेल्दी आदतें होती है और हमारी अनहेल्दी खाने की आदतें 5 कारणों की वजह से होती है, जो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे शरीर का अहम हिस्सा जो ब्रेन है। शुगर ज्यादा खाते हैं उसकी 2 वजह होती है। पहली बात, शुगर बायोलॉजिकली एडिक्टिव होता है और दूसरा, शुगर या मीठा खाने से दिमाग को खुशी मिलती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जितना मीठा खाते हैं उतनी और इच्छा बढ़ने लगती है। इसीलिए अगर आप रोज शुगर खाते हैं तो आपके दिमाग को उसकी आदत हो जाती है और उस कारण और ज्यादा शुगर खाने की इच्छा होती है। मानो किसी दिन आपने शुगर नहीं खाया तो हेडेक, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी जैसा लगता है। इस तरह से आपका दिमाग शुगर से एडिक्टिव हो जाता है। इसीलिए कभी चाय, कॉफी में शुगर कम होने या ना होने से हमें पसंद नहीं आती है। शुगर ज्यादा खाने से हमारे अनहेल्दी खाने की आदतें भी बढ़ जाती है। जब आप शुगर ज्यादा खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बढ़ता है। जब इंसुलिन ज्यादा होता है तब हाइपोथैलेमस लेप्टिन सिग्नल नहीं ले पाता है। पर ये लेप्टिन है क्या? हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं उसमें से लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन ब्रेन को सिग्नल देता है आपका पेट भरा है या नहीं। अगर आपका ब्रेन लेप्टिन का सिग्नल नहीं ले पाया तो ऐसा लगता है कि भूख लगी है। मतलब इंसुलिन, लेप्टिन, ब्रेक और भूख सब एक ही साइकिल की तरह काम करता है। उसके बाद अनहेल्दी खाने की दूसरी वजह है एनवायरनमेंट। हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए खाने की जरूरत तो होती है, फिर वो वेज फूड हो या नॉन वेज, फास्ट फूड हो या हेल्दी फूड। भूख लगती है तब इंसान को उसके एनवायरनमेंट में मिलता है वो खाता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे खाने की चीजें आसानी से नहीं मिलती है, इसीलिए लोग अपनी बॉडी की कम एनर्जी यूज करते हैं या फिर एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण दुनिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ओबेसिटी वाले लोग ज्यादा है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ लोग बहुत लेजी है, कुछ काम नहीं करते हैं और ऐसे जगहों पे जंक फूड मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जितना ज्यादा जंक फूड खाएंगे उतना डायबिटीज और हार्ट डिजीज बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में फ्रेश सब्जियां ज्यादा मिलती नहीं है, काफी बार सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग फास्ट फूड ही खाते हैं, इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में ओबेसिटी वाले लोग ज्यादा होते हैं। फिर हमारी आदतें शुगर इंटेक और अनहेल्दी खाने की आदतें बढ़ती है। जैसे किसी को कम शुगर खाने को हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि बिना शुगर पे कोई खुशी नहीं मिलेगी। जैसे कुछ लोगों को सिगरेट और अल्कोहल का एडिक्शन होता है, जिस कारण उन्हें लगता है कि अल्कोहल सिगरेट से दूर रहना मुश्किल है, उसी तरह शुगर भी एडिक्टिव होने के कारण लोग उसे खाना छोड़ नहीं देते। लेकिन हाँ, एटलीस्ट शुगर की टेस्ट अल्कोहल सिगरेट से काफी अच्छी होती है।
जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जितना मीठा खाते हैं उतना हमारे ब्रेन को खुशी मिलती है, उससे मीठा खाने की इच्छा और बढ़ने लगती है। वैसे हमेशा अनहेल्दी खाने की वजह हम खुद ही होते हैं, ऐसा नहीं है। फूड पैकेजिंग और उनके एडवर्टीजमेंट्स अनहेल्दी फूड को बढ़ावा देते हैं। कुछ फूड पैकेजिंग इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि देखते ही पसंद आते हैं। उसके सिवा फास्ट फूड रेस्टोरेंट या फिर कोई पिज्जा बर्गर की एड्स, उसमें पिज्जा बर्गर इतने टेम्पटिंग और टेस्टी दिखते हैं जो बहुत से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप डाइट पे होंगे तो भी आपका ब्रेन ऐसे टेस्टी फूड एड्स देख के खाने की इच्छा करता है। जब आपको कोई जंक फूड खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है तब आपका ब्रेन डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल के बढ़ने के कारण कोई भी चीज अगर आप खाना इग्नोर कर रहे हैं तो भी आपके ब्रेन में रिलीज होने वाला डोपामाइन केमिकल इच्छा को रोक नहीं पाता है। इसके बाद फैमिली और फ्रेंड्स के कारण हमारी अनहेल्दी खाने की हैबिट्स बढ़ती है। कभी आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आपको उनके साथ उनकी पसंद की चीजें खाने पड़ती है। जैसे आप कहेंगे कि शुगर खाना अच्छा नहीं है या फिर ये ऑयली जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको उल्टा कहेंगे कि एक दिन शुगर खाने से या फिर जंक फूड खाने से कुछ नहीं होता है। ये ऐसे एग्जांपल काफी बार आपने देखे ही होंगे। आपने अल्कोहल की आदत छोड़ दी है लेकिन कभी फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में आपको ना चाहते हुए भी अल्कोहल लेना पड़ता है या फिर ऐसा कुछ रीजन देना पड़ता है जिससे वो आपकी बात मान ले और अल्कोहल पीने के लिए फोर्स ना करे। तो अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो अपनी कुछ आदतों को बदलना जरूरी है। ये सारे डेटा पॉइंट्स है आप अपने आप को प्रोसेस फूड और शुगर खाने से कैसे रोक सकते हैं। अच्छी हेल्थ और बैलेंस्ड वेट के लिए अपने माइंड और हैबिट्स को कंट्रोल में रखना काफी जरूरी है। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।